मछलियाँ भी हैं यहाँ पे। हम लोग भीमेश्वर महादेव शंकर जी का दर्शन करने आए हैं। हमारे साथ इस एपिकल रिजॉर्ट के हमारे ओनर बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हैं और बहुत पहले से हम लोग यहाँ पे आते थे। तो एपिकल रिजॉर्ट जो कि जंगलिया गांव में है, भीमताल से 10 किलोमीटर ऊपर, यहाँ बहुत ही अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि शहर के हसल और बसल से दूर हैं हम लोग। बहुत ही प्राकृतिक वातावरण है और घर जैसा माहौल मिलता है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ की डिटेल दे दूँगा, जब अगर आप आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। मैं आपका फ़ोन नंबर भी उसमें दे दूँगा, आप चाहें तो डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट कर भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे नीम करौली बाबा के आश्रम, नीम करौली धाम जो बीच में पड़ता है। उसके बाद हम लोग नैनीताल जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, फिर शाम तक पंगोट पहुँचेंगे। तो हमने भीमताल में अपना जो होटल था उसको चेकआउट कर दिया है। अब हम लोग नीम करौली बाबा के यहाँ चलते हैं। प्लान हमारा है कि बीच में अभी हम लोग रुकेंगे और वहाँ पे कल की तरह खाना पीना बनाएंगे, खावा के फिर उसके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पहले से ही हम लोगों ने सोच रखा है कि खाना हम लोग खुद का बनाएंगे, खुद का खाएंगे। थोड़ा सा एक एंजॉय भी होगा, फन भी होगा और शुद्ध और अच्छा खाना भी मिलेगा हम लोग को। तो अब थोड़ी देर में हम लोग आगे कहीं ना कहीं रुकेंगे। हो सकता है कल जहाँ रुके थे वहीं पर रुकेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ पानी वानी भरने के लिए रुक गए हैं। सोचे कि पानी भर लिया जाए। फ्रेंड्स, पानी हमने यहाँ से भर लिया, लगभग 4-5 लीटर पानी हमने भरा।
खाली बोतलें कैरी की थी और इतना मेहनत लग रहा है इसमें इसको करने में कि लगता है कि अगर इसको किया है तो बाइसेप तो ऐसे ही बन जाए, मतलब डंबल करने की जरूरत ना पड़े। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये समझ में आया कि यहाँ पहाड़ों के लोग इतनी मेहनत करते हैं पानी लाने के लिए, पानी ले जाने के लिए नीचे से लाते हैं या फिर हैंडपंप से निकालते हैं यहाँ। तो पहाड़ों की जिंदगी बहुत ही कठिन है दोस्तों। हमने अपना पानी तो भर लिया है, बर्तन वर्तन धोने के लिए कुछ पीने का पानी रखा भी है, और देखा जाए तो ये पानी बहुत ही मिनरल से भरपूर है, अगर पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, नेचुरल वाटर है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। सो गाइज हम लोग रुके थे बीच में, जैसा मैंने बताया था कि हम लोग खाना वाना बनाएंगे खा के फिर निकलेंगे। तो दाल बन चुकी है, फ्राई होने जा रही है, देखिए अभी दाल फ्राई हो रही है। अच्छा ये नीचे वाला नीचे तो यहाँ पर नहीं। अच्छा ये ना वो मनोज प्रभाकर क्रिकेटर, नहीं तो वो हमेशा तो रहते नहीं है, कभी कभी आते होंगे। अच्छा आप लोग मिले होंगे उनसे? अच्छा अच्छा हमारा वो है नीचे हरा वाला। अभी आप लोग कहीं मार्केटिंग के लिए कहाँ निकले हैं? कहीं भीमताल तक जा रहे हैं। अच्छा पैराग्लाइडिंग तो बंद हुई है। पैराग्लाइडिंग बंद है, वही तो जगह है ये। हाँ वैसे भी बंद ही है आजकल सब जगह ना। समझ में नहीं आ रहा था हम लोग को, लैंग्वेज अलग है क्या ये? ले कुमाऊँ ही लैंग्वेज है वो। अच्छा अच्छा आप लोगों को हम लोग तो समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। सो फ्रेंड्स देख रहे हैं जैसा कि खाना हमने बना लिया और दाल फ्राई बनी है, रोटी बनी है और इसे कतरा कहते हैं हम लोग। आलू को बेसन में लपेट के छाना जाता है। तो खाना बन गया, इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बन कैसा टेस्ट आता है। लाजवाब, मैं बता नहीं सकता क्या फीलिंग है, क्या टेस्ट है। वैसे टेस्ट हम लोग ना होटल में नहीं मिल सकता, रास्ते में नहीं मिल सकता। और ये एकदम अलग ही चीज है जिसे हम लोग कतरा कहते हैं। वादियां हैं, वादियों को देखते हुए खाना खाने का एक खुले में एक अलग ही आनंद है। खा के अब निकल चुके हैं, अभी अंकल आंटी मिले थे यहीं के लोकल थे,
वो बता रहे थे कि मनोज प्रभाकर जी जो क्रिकेटर थे, जो अभी भी हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, उनके पड़ोसी थे वो। ये उनका घर है मनोज प्रभाकर जी का, अभी वो है नहीं, उनके केयर टेकर यहाँ पे रहते हैं और वो देख रेख करते हैं, बीच बीच में वो लोग आते रहते हैं। तो मनोज प्रभाकर जी भी अपना एक प्रॉपर्टी इनकी यहाँ पे है, जो बीच बीच में आते रहते हैं। उनके पड़ोसी अभी हम लोगों ने देखा जो मिले थे और वो लोग गए हैं अभी अभी। तो सो गाइज, अब हम लोग कैंची धाम के लिए चल चुके हैं, मिलेंगे हम लोग कैंची धाम। Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. हम लोग बीच में रुक गए पेट्रोल डलवाने के लिए। बड़ा धीरे काम हो रहा है यहाँ पे, तो लगभग 10 मिनट से हम रुके हुए हैं। यहाँ से कैंची धाम 7.5 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कैंची धाम आ गए और गाड़ी पार्क करने के लिए अभी देख रहे हैं। थोड़ी भीड़ होती है यहाँ पे, अभी जो मौसम उस हिसाब से कोई भीड़ तो नहीं ज्यादा दिख रही है। गाड़ी पार्क करके फिर दर्शन करेंगे हम लोग। तो बहुत सिद्ध स्थान है यहाँ पे, बाबा नीम करोली जी बहुत दिनों तक रहे थे, इसी वादियों में उन्होंने साधना की थी। गाड़ी फिलहाल हम लोग यहीं पार्क कर देते हैं, फिर पैदल चलेंगे हम लोग यहाँ से। पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है, यहाँ जगह मिल गई इसलिए यहीं पार्क करते हैं। आइए, हम लोग ये निकाल देंगे, अंदर कैमरा भी नहीं ले जा सकते, तो हम लोग दर्शन करके आते हैं। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। दर्शन हम लोगों ने कर लिया और प्रसाद भी मिल गया हम लोग को, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ चना का प्रसाद बागवा को भोग लगाया हुआ मिलता है। ये अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क है।
सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। जैसा कि उत्तराखंड सीरीज अभी चल रही है तो और भी अगले वीडियोस आएंगे, और उसके बाद अगली सीरीज आएगी उसके भी वीडियोस आएंगे, तो जो भी नए वीडियोस आए आपको पता चल सके उसके लिए बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।